बढ़िया स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाले हैं। आप जानते हैं सभी लोग कीपैड चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, सेलफोन चलाते हैं, मोबाइल, तो उसमें लॉक लगाते हैं, तो उसमें पिन नंबर को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये ज्ञात करने का ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। तो इसको आप वीडियो मिस मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखो, जैसे किसी भी अंक का हो हम आपको बताने वाले हैं, आप समझ में आपके 100% आएगा। करना क्या है, आप उसे कहिएगा कि चार, अपने मान लो हम पहले आपको चार अंक वाला बता रहे हैं, मान लो कोई अपने मोबाइल में चार अंक का लॉक लगा के रखा है, 1 2 3 4। अब आप सामने वाले से कहिएगा कि आप जो लॉक लगाए हो उसके शुरू के 2 अंकों को ले लीजिए। तो जैसे ले लिया, 2 12 आया, फिर आप उससे कहिएगा उसमें आप 8 से गुणा करो, तो 8 से गुणा कर दिया तो 9 96 आएगा। फिर आप कहिएगा जो गुणा करने पे आया उसमें आप 25 से गुणा करो, तो 5 36 3 आ गया, 5 9 45 3 48 आ गया, 2 6 12 2 1 आ गया, 2 9 18 19 आ गया, 0 हो गया, 8 2 10 1 9 4 13 14 1 1 2। ठीक है, अब पहले आप शुरू के दोनों अंकों को लेना है, 8 से गुणा करवाना है जो आएगा, फिर उसमें 25 से गुणा करवाना है, फिर जो आएगा फिर जोड़ लेना, फिर जो आएगा। अब आप उससे कहिएगा कि जो लास्ट का 2 डिजिट बचा है उसमें 2 का गुणा करो, 2 का गुणा कर लेगा, 2 4 8 2 3 6। अब इसको आप इसी में जोड़ देंगे तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। अब आप उससे पूछिएगा कि कुल कितना अंक आया, तो सामने वाला आपको बताएगा कि 2468 आया। तो अब आपको बताना कैसे है, इसी 2468 में आपको क्या करना है, भाग दे देना है 2 से, तो 2 1 2 1 आया, 1 कट गया, फिर 4, 2 2 4 कट गया, फिर 6 आया, 2 3 6 कट गया, फिर 8 आएगा, फिर 2 4 8 कट गया, कितना आया, 1 2 3 4। देखिए यही लॉक था, और देखिए लॉक नंबर आ गया कि नहीं आ गया, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से अगर मान लेते हैं 6 अंक का है तब कैसे करना है, 6 अंक का है तो देखो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे मान लो कोई 1 2 3 जैसे मान लो लगा रखा है, रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से 4 हो गया। अब आपको बताना है तो इसमें भी आपका वही प्रोसेस है, शुरू का ये 4 अंक लेना है, ठीक है, इसी में एक बार कितने का गुणा करेंगे, इसी में एक बार गुणा करेंगे कितने का, 8 का, 8 का गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा इसका इसमें गुणा करेंगे जो नंबर आएगा, फिर इसी में गुणा करेंगे कितने से, 25 से, 25 से गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आप यहां लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसमें 2 का गुणा कर देना है, और ये नंबर गुणा करने के बाद जो आएगा इसको और इसको जोड़ लेना है, इसको फिर इसको क्या करना है, जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो आएगा, जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा फिर इसमें क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना, सेम प्रोसेस है। यहां लास्ट में 2 डिजिट छोड़ देना है, शुरू का 4 डिजिट ले लिया, फिर इसमें 2 का गुणा करवाएंगे जो आएगा, ठीक है ना, फिर उसी में कितने का, 8 का गुणा करवाएंगे जो आएगा, फिर इसमें 25 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, फिर ये लास्ट वाला जो 2 डिजिट है इसमें 2 का गुणा करवाइएगा, जो आएगा यहाँ लिखिएगा, फिर ये वाला और 25 से गुणा करने के बाद जो आया ये वाला जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा फिर उसमें 2 का भाग दे देंगे, जो आप लिए रहोगे, जैसे 3 4 3 5 4 2 6 4 लिए हैं तो ये आया है तो यही आएगा, ठीक है ना। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप 4 अंक का या 6 अंक का और भी ले करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएं, इसी तरह से 10 अंक का अगर है तब भी आप क्या करना है, शुरू का 8 अंक लेंगे, शुरू का 8 अंक ले लेंगे, उसमें 8 से गुणा करेंगे जो आएगा, फिर 25 से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिख लेंगे, फिर लास्ट का 2 जो 2 डिजिट बचेगा उसमें 2 का गुणा करेंगे, फिर 25 से गुणा करने के बाद जो आया है उसको 2 से गुणा करने पे जो आया है दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, सेम प्रोसेस है,
ठीक है ना, लास्ट का टू डिजिट छोड़ना है, लॉक किसी भी अंक का हो, चाहे एक चाहे दो अंक का हो चाहे तीन, चार अंक से कम का तो होता ही नहीं है, चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो शुरू का लास्ट में दो डिजिट छोड़ने के बाद जितना अंक बचेगा, जैसे मान लो आपका पासवर्ड 10 डिजिट का है, तो शुरू का 8 अंक ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे हम, 8 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 25 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको लिख लेंगे, फिर लास्ट का जो 2 डिजिट बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और 2 का गुणा करने के बाद में 25 से जो गुणा करने पे आया था वो वाला, और लास्ट के 2 अंक में 2 से गुणा करने पे जो आएगा उसको दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा 2 से भाग दे देंगे और आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल का लॉक क्या है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आज के क्लास में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों के लिए इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, आप लोगों को एक एक अच्छा अच्छा ट्रिक बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा आप भी हमें अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।